दुनिया में हर इंसान को लगता है कि उसकी जॉब बहुत टफ है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपको 1000 रुपया डेली मिलेगा और आपने काम ये करना है कि सांपों को उठा उठा कर पैक करना है या सैकड़ों फुट ऊंची बिल्डिंग पर चढ़कर बाहर से उसके शीशे साफ करने हैं, तो क्या आप ये जॉब करना पसंद करेंगे? लेकिन अगर आप ये सुनकर हमें पागल कहें तो एक लम्हे के लिए ठहरिए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत से मजबूर लोग हैं जो इस तरह की खतरनाक जॉब्स बहुत ही लो डेली वेजेस पर करते भी हैं। और वॉइस डेली की आज की वीडियो में आपको वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस जॉब्स ही के बारे में बताने जा रहे हैं। मगर ये खतरनाक नौकरियां देखने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। व्यूअर्स, आपने यकीनन फिश फार्मिंग और चिकन फार्मिंग के बारे में तो जरूर सुन रखा होगा, मगर चाइना और इंडोनेशिया में बाज इलाके ऐसे भी हैं कि जहां पर स्नेक फार्मिंग भी होती है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने कि यहां पर सांप पाले जाते हैं। अब ये स्नेक फार्मिंग की क्यों जाती है तो ये अहम नहीं है दोस्तों। हो सकता है कि वो सांप खाते हो या फिर उसका जहर निकाल कर उसे मेडिसिन वगैरह में यूज करने का हो, अहम बात ये है कि ये सांप पालता कौन है। अब हम लोग तो सांप की एक झलक पर ही डर कर सहम जाते होंगे, मगर यहां पर कुछ जुनूनी ऐसे हैं जो इन हजारों सांपों के दरमियान चलते फिरते हैं और इतनी डेंजरस जॉब महज थोड़े से पैसों के लिए करते हैं। अब इनमें से बाज सांप तो इस कदर जहरीले होते हैं कि अगर किसी को काट लें तो महज चंद सेकंड के अंदर अंदर मौत वाके हो जाए। मगर जरा देखिए इन नडर लोगों को जो बिना ग्लव्स पहने इधर उधर रेंगते इन जहरीले सांपों को इस तरह पकड़ पकड़ कर बोरियों में डाल रहे हैं कि जैसे ये सांप न हो वे जान रस्सियां हो। फिर ये लोग इन थैलों में सांपों को भरकर इन्हें अपने पीछे लादते हैं और गाहक तक खुद पहुंचाकर भी आते हैं। तो क्या क्या हुई नहीं ये टफ जॉब कि सांपों को पालना भी है और फिर उनकी डिलीवरी भी करना है? तो कमेंट सेक्शन में सच सच बताना कि अगर आपको ये जॉब करनी पड़ जाए तो कर लोगे। और दोस्तों, अगर आपको ये जॉब पसंद नहीं आई तो चलिए आपको एक आसान सी जॉब बताते हैं। उसमें आपको महज एक बल्ब चेंज करना होगा। बस इस जॉब में थोड़ा सा ट्विस्ट जरूर है कि ये बल्ब तकरीबन 1500 फुट ऊंचे टॉवर की टॉप पर लगा होगा। अब जानते हो कि ये दुनिया की टफ जॉब क्यों कहलाती है और इसे करने के लिए बहुत ही कम लोग क्यों आते हैं? जब आप कई सौ मीटर बुलंद टावर के टॉप पर मौजूद होते हो तो कई मरतबा तो बादलों से भी ऊपर होते हो और इतनी हाइट पर हवा का प्रेशर इस कदर तेज हो जाता है कि आपको उड़ाकर ले जा भी सकती है। इसीलिए ये लोग मुख्तलिफ बेल्ट लगाकर अपने आप को टावर के साथ बांधे रखते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतने बुलंद टावर पर बिजली के बल्ब लगाए क्यों जाते हैं, तो आपको बता देते हैं कि ये दरअसल ट्रांसमिशन टावर्स हैं और बल्ब लगाने का मकसद ये होता है कि दूर से आते हवाई जहाज या किसी और उड़ती हुई चीज को ये मालूम हो कि आगे रुकावट है। तो ये बल्ब चेंज करने वाले लोग टावर टेक्नीशियंस कहलाते हैं। इन टावर टेक्नीशियंस को साल में बस एक आध मरतबा ये काम करना पड़ता है और इस बात की अच्छी खासे पैसे भी मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, जितनी मर्जी दौलत मिल जाए, एक बार इतने बुलंद टावर पर चढ़ते हुए रूह तो काम जाती है, और अगर कोई कमजोर दिल गलती से टावर से नीचे देख ले तो वहीं से ऊपर लुढ़क सकता है। तो दोस्तों, मोस्ट डेंजरस जॉब्स के लिस्ट में अगला नंबर आता है विंडो क्लीनिंग जॉब का। अब आप ये कहेंगे कि भाई खिड़कियां साफ करना कैसे खतरनाक हो गया? तो खिड़कियां अगर बुर्ज खलीफा की हों तो ये खतरनाक हुआ कि ना? जी हाँ दोस्तों, बुर्ज खलीफा और इस जैसी दूसरी बुलंद इमारतों में जहाँ जहाँ शीशे का इस्तेमाल हुआ है उसे साफ तो करना पड़ता है, और इस जॉब के लिए इंटरनेशनल टेंडर्स रिलीज किए जाते हैं, क्योंकि इतनी बुलंद इमारतों पर चढ़कर खिड़कियां साफ करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। इसके लिए ट्रेंड लेबर लगती है। शीशे साफ करने के लिए दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों के टॉप से इन लोगों को एक रस्सी की मदद से लटका दिया जाता है और इन्हें एक छोटी सी सीट पर बैठकर अपना काम करना पड़ता है, और एक जरा सी गलती इनकी जान भी ले सकती है। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे लोग हैं कि जो अपने खानदान की रोजी रोटी के लिए ये खतरनाक जॉब भी करते हैं, और इन अजीम लोगों की ऐसी एफर्ट पर एक लाइक तो बनता है बॉस, क्योंकि बाज औकात तेज हवाओं और तूफानी बारिशों में भी इनको ये काम करना पड़ता है। और ऐसा कई बार दुनिया में हो चुका है कि बुलंदी इमारतों की खिड़कियां साफ करते हुए कोई रस्सी टूट गई हो और काम करने वाले बेचारे लोग बुलंदी से नीचे आ गिरे हों। यही वजह है कि दुनिया भर में सिर्फ सर्टिफाइड कंपनीज ही को ये काम करने की इजाजत होती है। और दोस्तों, दुनिया की खतरनाक तरीन नौकरियों में अगला जिक्र है सल्फर माइनिंग का। और इस जॉब के बारे में कहा जाता है कि जिसे जिंदगी से प्यार है वो इस नौकरी से दूर ही रहे। इंडोनेशिया में कावा आयजन वॉल्केनो एक खतरनाक जगह है, मगर दोस्तों, मामला जब पेट का हो तो इंसान हर खतरा मोल ले लेता है, और यही हाल इन इंडोनेशियन मजदूरों का भी है कि बेचारे चंद टकों की खातर आतिशफिशां के अंदर जाकर अपने हथौड़ों और दीगर चीजों की मदद से सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड खोद खोद कर अपनी टोकरियों में भरते हैं और बाहर लेकर आते हैं। ये जान लीजिए कि सल्फर इंसानी जिस्म के लिए इतना खतरनाक है कि अगर आप ज्यादा देर तक और बार बार इसके सामने एक्सपोज होते हैं तो आपके फेफड़े और आपकी आंखें खत्म हो सकती हैं।
मगर ये बेचारे इंडोनेशियन मजदूर बिना मास्क पहने घंटों ये काम करते रहते हैं और इन्हें इस खतरनाक काम का महज 350 रुपए रोजाना मिलता है। लेकिन जानते हो कि इस जॉब को दुनिया की खतरनाक तरीन जॉब क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कि ये काम करने वाले मजदूरों की जिंदगियां महज 50 बरस रह जाती हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि किसे किसे अपनी मौजूदा जॉब जरा मुश्किल लगती है और वो ये जॉब करना चाहता है। और व्यूज, हमारी अगली डेंजरस जॉब है हाई टेंशन पावर लाइन इंस्टॉलेशन। अगर आपने कभी घर में बिजली की तार वार को कभी जोड़ लगा लिया है तो यकीनन आप ये काम आसानी से कर लेंगे। फर्क महज छोटा सा है कि इस तार में 8 लाख वोल्ट करंट होता है और जानते हो इंसान को मारने के लिए महज 50 वोल्ट ही काफी होता है। लेकिन अगर आप पक्के कारीगर हो तो आपको इस हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन से हरगिज करंट नहीं लगेगा। लेकिन आंधी तूफान और खराब मौसम में अगर ये तारों की सेटिंग करनी पड़ जाए तो फिर ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मगर दुनिया में लोग हैं जो इन नंगी तारों पर भी चलते हैं, इनकी सेटिंग करते हैं, और अगर ये काम करते हुए जरा सी मिस्टेक हो जाए तो हाई वोल्टेज लाइन से आने वाला करंट आपको कोयला बनाकर नीचे फेंक देगा। और अगर आप करंट से बच भी जाओ तो फिर भी ये तारें इतनी ऊंचाई पर होती हैं कि गिरकर भी आपकी जान जा सकती है। मगर फिर भी बेचारे लोग दो वक्त की रोटी कमाने के लिए ये खतरनाक काम भी करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कोई ऐसी जॉब नहीं कर रहे हो और कोई ना कोई काम कर रहे हो तो वहीं पर बैठे बैठे खुदा का शुक्र जरूर अदा करना। व्यूअर्स, मोस्ट डेंजरस जॉब्स की लिस्ट में अगली जॉब को अगर यूं कहा जाए कि मौत के मुंह में जाना है तो गलत नहीं होगा। इस नौकरी में करतब दिखाने वाले को क्रोकोडाइल के खुले मुंह के अंदर अपना सर रखना होता है। लेकिन फिक्र न कीजिए, ये क्रोकोडाइल सिखाए हुए होते हैं। नॉर्मली ये अपने मुंह बंद नहीं करते हैं, मगर बाज़ोकात कुछ ऐसे नालायक मगरमच्छ भी होते हैं कि जो अपने उस्ताद का भी एहतराम नहीं करते, और जो ही वो अपना सर उसके खुले मुंह के अंदर रखता है तो ठप से अपना मुंह बंद कर लेते हैं। अब बाज़ रिपोर्ट्स तो ये बताती हैं कि करतब दिखाने वालों को तो सैलरीज तक नहीं मिलती, बल्कि इन बेचारों का गुजारा तो उन टिप्स पर होता है जो देखने वाले इन्हें खुश होकर दे देते हैं। अगर ये बात सच है तो यकीनी तौर पर ये दुनिया की खतरनाक तरीन जॉब है जिसे कोई बेचारा बेहद मजबूर शख्स ही कर सकता है। और दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट जिक्र करेंगे ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में वाके एक स्टैचू की रिपेयर का। ग्राउंड लेवल से इस स्टैचू की बुलंदी 2000 फुट के करीब है और हर साल इसकी मुरम्मत के लिए बाकायदा टेंडर दिया जाता है, क्योंकि बरसात में अक्सर बारिश और बिजली गिरने की वजह से इसे नुकसान पहुंचता है। मगर दोस्तों, इस स्टैचू की मुरम्मत कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि कई हजार फुट बुलंद इस स्टैचू की टॉप पर बैठने की कोई प्रॉपर जगह नहीं है। आपको रस्सी और क्लिप्स की मदद से अपने आप को बांधना पड़ता है और वहां पर रिंग रिंग कर इस स्टैचू की मरम्मत करनी पड़ती है। यही वजह है कि जब भी ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने इस स्टैचू की मरम्मत के लिए दुनिया भर में इश्तेहारात जारी किए तो बहुत ही कम लोग इसकी मरम्मत के लिए हाजिर होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि अगर इस स्टैचू की टॉप से लुढ़क गए तो लोग इस स्टैचू पर फूल चढ़ाने के साथ साथ उनके मुजस्मे पर भी फूल चढ़ाने आया करेंगे। तो व्यूज, ये थी दुनिया की खतरनाक तरीन जॉब जो वॉइस डेली की आज की वीडियो में हमने आपको दिखाई। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी नजर में मोस्ट डेंजरस जॉब कौन सी थी और क्या आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहेंगे। फ्यूचर वीडियोस हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी। सुनते रहिए वॉइस डेली।